लाटरू पुल के दोनों तरफ खाई जैसा रास्ता, वाहनों के निकलने में हुई भारी दिक्कतें। बांदा जनपद क्षेत्र बबेरू के औगासी घाट पर यमुना नदी पर बने प्लाटून पुल का मामला है, जहां पक्का पुल का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है, जो एक पखवाड़े के बाद बनकर तैयार हो जाएगा। पक्का पुल के बगल से प्लाटून का पुल बना हुआ है। सेतु निगम के प्लाटून पुल का ठेका दे रखा है। प्लाटून पुल की लकड़ी टूटी और जर्जर लगी है, जो जानलेवा साबित हो रहा है। पुल में वाहनों को चढ़ने उतरने का रास्ता बहुत नीचे है, जिससे वाहनों के चढ़ने एवं उतरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटी गाड़ियों को और दिक्कतें झेलनी पड़ती है। बड़ी वाहन चालकों ने बताया कि कार्यदायी संस्था के ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत से मोटी कमाई कर रहे हैं। सड़ी गली वही पुरानी लकड़ी लगी हुई है। पुल से बहुत नीचे से रास्ता है, जिससे गाड़ियां चढ़ाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जान जोखिम में डालकर पुल से आवागमन करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, बांदा जनपद के ग्राम अवगासी घाट पर प्लाटून पुल बना हुआ है, वहीं बगल से पक्का पुल का निर्माण बड़ी तेजी से चालू है, जो बहुत शीघ्र ही पक्का पुल निर्माण हो जाएगा, जिसमें एक पखवाड़ा के बाद पुल में एक खंभा की छत जो शेष पड़ी है वह भी निर्मित हो जाएगी और एक माह के अंतर्गत पुल से आवागमन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। पक्का पुल के बगल से प्लाटून पुल बना हुआ, जो जर्जर लकड़ी सड़ी गली लकड़ी से बना है और पुल ऊंचाई से बना हुआ है, और जो पुल से उतरने और चढ़ने के लिए दोनों तरफ खाई की तरह रास्ता है। ठेकेदार ने ठेका तो ले रखा है, परंतु आवागमन के लिए रास्ता का निर्माण नहीं कराया, जिससे वाहनों को आने जाने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि छोटी गाड़ियां पुल में तो चढ़ने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के द्वारा बना रखी गई है। अगर कहीं बेमौसम बारिश हो जाए तो आवागमन के लिए वाहनों का बंद हो जाएगा, पहिया वहीं पर जाम हो जाएगा। ऐसी स्थिति प्लाटून की पुल की बनी हुई है। सेतु निगम के प्रबंधक से फोन लगा करके बातचीत की गई, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। सेतु निगम के कर्मचारियों ने बताया कि ठेकेदार को यह काम दिया गया है, परंतु ठेकेदार धन को ठिकाने लगाने के लिए अभी तक आवागमन के लिए सही रास्ता का निर्माण नहीं कराया गया है, जो ऐसी स्थिति पर कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है, और ये सड़ा गला लकड़ियों से बना प्लाटून पुल कभी भी टूट सकता है। ऐसी स्थिति पुल की बनी हुई है, परंतु सेतु निगम के उच्चाधिकारी नज़रअंदाज रखे हुए हैं, क्योंकि ठेकेदार और उच्चाधिकारियों की मिली भगत से प्लाटून पुल में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष का पीडब्ल्यूडी के मंत्री ने मौके में जा कर के निरीक्षण किया था, और पीडब्ल्यूडी के मंत्री ने सेतु निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई थी और ये सड़ी गली लकड़ी से बना पुल की मरम्मत कराने के निर्देश दिए थे, परंतु सेतु निगम के अधिकारियों पर कोई इसका असर नहीं हुआ। उससे भी बदतर हालत में इस वर्ष सेतु निगम का द्वारा प्लाटून पुल का निर्माण कर दिया गया और आवागमन में लोग दहशत में बने रहते हैं, भयभीत रहते हैं वाहन चालक कि कहीं यह पुल ध्वस्त ना हो जाए। शिवलाल शर्मा, R9 भारत से, जिला संवाददाता की रिपोर्ट। बांदा जिला संवाददाता R9 भारत से शिवलाल शर्मा की खास रिपोर्ट।